हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक बजाज यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो आपको बताने वाला हूं गवर्नमेंट के द्वारा जो घोषणा करी गई है, मजदूर वर्ग के लोगों को 2 महीने तक फिर से फ्री राशन दिया जाएगा। तो किन मजदूरों को ये फ्री राशन मिलेगा, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देख लें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी के उसके बारे में पता चल जाए। आप ये वीडियो हमारी कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट के द्वारा पहले भी घोषणा करी गई थी और पहले भी मजदूरों को फ्री राशन दिया जा रहा था, लेकिन ये राशन केवल उन्हीं मजदूरों को दिया जा रहा था जिनका मनरेगा के तहत पंजीकरण था या जिनका जॉब कार्ड बना हुआ था। सिर्फ उन्हीं लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, अब जो न्यूज आ रही है, अब जो घोषणा करी गई है, उसके तहत मजदूरों को 2 महीने तक फ्री राशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये उन मजदूरों को दिया जाएगा जो प्रवासी मजदूर है। प्रवासी मजदूर दोस्तों वो होते हैं, जैसे कि आप कहोगे मैं यहाँ मथुरा का रहने वाला हूँ और अगर मैं कहीं और बाहर जाकर काम करता हूँ तो मैं वहां के लिए प्रवासी मजदूर माना जाऊंगा। तो दोस्तों, ऐसे मजदूर को गवर्नमेंट के द्वारा 2 महीने तक फ्री राशन दिया जाएगा। और उनके पास राशन कार्ड है तब भी, नहीं है तब भी उनको फ्री राशन दिया जाएगा। अगर दोस्तों कहीं से भी बाहर प्रवासी मजदूरों को बाहर से अपने शहर में अपने गांव में लाया जा रहा है तो वहां पर उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को सभी को 2 महीने तक गवर्नमेंट के द्वारा फ्री राशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, अगर जरूर प्रेस कर रहे। मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।